अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज आपके लिए लेके आया, आज कुर्बानी के जानवर नहीं है, वैसे तो कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो मैं लेकर आया हूँ ये एज़ अ ब्रीडर हैं और बड़ी नस्ली ब्रीडर हैं। और अभी मैं आपको तारुफ भी कराता हूँ। माशाल्लाह छोटा सा नौजवान है, बिल्कुल टीनेजर है, 16 साल का, और इसका शौक़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ बकरे नहीं हैं और इसके और भी शौक़ हैं, वो भी दिखाता हूँ। और इसके जो दो ब्रीडर हैं जो आज सेल के जानवर हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फराज से भी आपको मिलवाता हूँ। अहमद फराज, फराज अहमद पूरा नाम है बच्चे का, 16 साल एज है इस बच्चे की, और माशाल्लाह इसका शौक़ देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको उसका शौक, फिर फराज से भी आपसे बात कराते हैं। और हाँ, आगे जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और अपना भी कोई शौक़ दिखाना चाहते हैं या जानवर सेल करना चाहते हैं या अपना कुर्बानी के जानवरों का शौक कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, लोकेशन सेंड करें, इंशाल्लाह पेट्स लवर्स आपके पास भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह यार, आपकी तो अभी मैं ख्याल से मैट्रिक किया होगा आपने? मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा, 9th में हो, ठीक है। और 9th क्लास में हो और माशाल्लाह आपका ज़बरदस्त शौक देख के अभी दोस्तों को भी शौक कराते हैं, और अभी से आपने कारोबारी जहन रखा हुआ है, कारोबारी यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है आपने? बस ये बचपन का शौक था मेरा। अच्छा, तो ये ऐसा ऐसा पढ़ाई के साथ साथ ये शौक, कुरान हाफिज भी हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, और साथ साथ ये शौक चलता है पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज कुरान भी हो, ये तो आपने मुझे बताया नहीं था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जनाब आपको जजाए खैर दे, और बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ शौक कैसे पैदा हुआ? शौक बस मेरे बाबा को था। अच्छा, ये पीछे से चलता आ रहा है, फिर ऐसा ऐसा मुर्गियाँ बाबा ने रखी, बकरियाँ रखी हैं, ऐसा ऐसा ये सारा काम बाबा ने किया, तो ऐसा ऐसा मुझे भी डलता गया। अच्छा, ये साथ साथ आप में डेवलप होता रहा? अच्छा, बाबा के साथ भी शौक मैं भी करता गया। अच्छा माशाल्लाह जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें फराज ने अपना जो है मुर्गियों का शौक़ भी रखा हुआ है। असल तो हम बकरों की वीडियो बनाने आए थे, ये जस्ट आपको वैसे शौक करवा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल है, क्या क्या है, इसकी डिटेल के हवाले से हम इंशाल्लाह ईद के बाद एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जो फराज का इंशाल्लाह ये जो चिक वाला शौक है ये भी दिखाएंगे, और इसमें कौन कौन सी ब्रीड रखी है वो भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। फिलहाल हम अब चलते हैं बकरों की तरफ, तो फराज क्या ख्याल है, चले जाए अंदर? और अंदर जाने से पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, ये देखिए कूलर भी लगाया हुआ है, कूलर लगाने के साथ साथ अंदर पूरा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखिए ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, पंखों का थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, उसके लिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए अगर पंखे बंद कर दें। वो देखें एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट भी लगाया है, फिर एक पार्टीशन की हुई है, और पार्टीशन करके अंदर बकरियाँ और बच्चे हैं, ठीक है, और बकरियां बच्चे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बकरे बकरियां भी दिखाएंगे जो सेल की हैं। तो अभी फराज हम थोड़ी देर पंखा बंद कर दें ताकि ये कि आवाज़ क्लियर हो सके। और ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है, पंखे भी लगाए हुए हैं, और बड़ा ठंडा माहौल है अंदर, हालाँकि काफ़ी आज खासी गर्मी है, शदीद गर्मी पड़ रही है, 42 के करीब, आज 43 के करीब है, लेकिन अंदर जो माहौल है वो बड़ा ठंडा है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बच्चा है, अभी बिल्कुल बच्चा है, अभी 12 से 13 महीने का बच्चा है, और अभी इसने दो दांत की मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह दिखाएं ज़रा इसके फेस, ये देखिए ये अभी इसने दो दांत निकाल लिए, अभी कनी निकाली है दो दांत की, यानी कि अभी 12 महीने का अभी ये छोटा सा बच्चा है। और ये देखें कानों की लेंथ देखें इसकी माशाल्लाह, और फेस ब्यूटी देखें, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाइट आँख में, और ये झालर चेक करें माशाल्लाह इसकी, ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म का यानी कि ढीली ढाली खाल है, और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और सिंग देखें, ये देखें चपटे सिंग हैं, ये देखें, और इसको थोड़ा सा खोलना दे, क्या ख्याल है, खोल के ज़रा हम थोड़ा सा इधर दिखाते हैं ताकि इसकी पूरी हाइट और लेंथ जो है हम दिखा सकें। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नीचे बैठ के नहीं बनाता, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, और बहुत सारे लोग मुझसे इससे नाराज़ भी हो जाते हैं। देखें नीचे बैठ के बनाने से जानवर बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, और आँखों को धोखा देने वाली बात होती है, जो हाइट और लेंथ होती है वो उतनी ही होती है जितनी बताई जाती है, वो वीडियो में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जानवर है। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको नीचे बैठता हूँ, ये देखें, ये देखें नीचे बैठ के मैं बनाता हूँ तो ऐसा लगेगा ये 42-41 के करीब है या 40 से प्लस का है, और क्योंकि सामने विंडो है तो विंडो के फराज इस साइड पे करें ज़रा थोड़ा सा, हाँ ऐसे करें थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल, क्योंकि हम अंदर की वाली साइड पे ही, ये देखें अब मैं उसको नीचे बैठ के बनाता हूँ ना तो इसकी हाइट आपको ऐसा लगेगा जैसे 42-43 के करीब है,
ठीक है, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी तंग है, मैं नीचे बैठूँ फिर तो ये पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इसकी फेस ब्यूटी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। और बिल्कुल ब्लैक जेट है, और नहीं थोड़ा सा इसके ऊपर वाइट है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये देखें थोड़ा सा सर के ऊपर इसका वाइट है, बाकी टोटली ब्लैक है, ब्लैक ब्यूटी है, ये देखें माशाल्लाह वाइट आँख में, और तोता फेस है माशाल्लाह, चपटे सिंग है, ढीली ढाली खाल है, ये देखें इसके दिखाएं ज़रा छाती इसकी दिखाएं ज़रा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसके, ये देखें किस कदर ढीली खाल है, और अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और ये अभी बच्चा है, अभी इसके पहले बाल भी नहीं झड़े हुए, ठीक है। और ये देखें ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह हड्डी चौड़ी है कमर की, ये देखें हड्डी कमर की चौड़ी है, और पैर इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी पैर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने चौड़े पैर हैं, और बिल्कुल सीधे खड़े पैर हैं, ये देखें थोड़ा सा उधर करें इसको, ये देखें बिल्कुल सीधे और खड़े पैरों का जानवर है, और मुकम्मल जो है अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, सीधा बिल्कुल सीधा है, कोई गुट मुड़ा हुआ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, और माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट पैर है। और इसके आंडल भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कट वाले आंडल हैं, ये देखें माशाल्लाह जो अच्छी ब्रीडर की निशानी होती है वो सारी क्वालिटीज इसमें है। चौड़ी हड्डी का जानवर है माशाल्लाह, खूबसूरत है, लंबे कान है, फेस ब्यूटी भी अच्छी है, कानों की लेंथ भी आप देख सकते हैं, और गुंजाइश जो है वो ये देखें माशाल्लाह बहुत गुंजाइश है, ये देखें ढीली ढाली खाल है, बहुत गुंजाइश है, ठीक है। और इसकी जो डिमांड है अभी हम पूछ लेते हैं, फराज इसको थोड़ा सा ऐसे करें ज़रा ताकि सही तरह नज़र आए, अच्छा जी ये देखें जी माशाल्लाह, और बड़ा ही ज़बरदस्त, और हाइट और लेंथ भी अच्छी है। अच्छा इसकी हाइट के बारे में आपको बता दूं, इसकी हाइट तकरीबन 39 इंच इसकी हाइट है अभी, ठीक है, और लेंथ में माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा है, हमने मैयर नहीं किया लेकिन लेंथ में काफ़ी अच्छा है ये माशाल्लाह, ठीक है। और अभी हम पूछ लेते हैं फराज इसकी क्या प्राइस है, क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी प्राइस बिल्कुल मुनासिब है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैसे तो ये तकरीबन 2.5-3 का बनेगा, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए तकरीबन 2 का इंशाल्लाह, थोड़ा सा ऊंची बोलें क्योंकि 2 का इंशाल्लाह ये व्यूअर्स 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख रुपए डिमांड है फराज की, ठीक है। और इसमें गुंजाइश कितने की निकलेगी? वो प्यार मोहब्बत इंशाल्लाह कर लेंगे, ले जी प्यार मोहब्बत हो जाएगी आपको, जैसे कि चीज़ दिखा दी है, फेस ब्यूटी मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, चपटे सिंग हैं और लंबे कान हैं, ढीली ढाली खाल है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, और जो एज अ ब्रीडर लेंगे वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये अभी बच्चा है, और अभी बच्चा है, अभी इसने 2 दांत भी पूरे नहीं निकाले, सिर्फ कनी तोड़ी है, कनी तोड़ी है, नीचे के 2 दांत तोड़े हैं और हल्की सी 2 दांत की कनी निकली है, तो ये 39 इंच हाइट पे है, और माशाल्लाह बकरा बड़ा ज़बरदस्त है, डबल हड्डी का जानवर, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ मोटी हड्डी का जानवर है, तो आप एक बार लाइव आके ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश होगी। और इसके साथ एक और है, ये भी बच्चा है, ये भी सेल के लिए एज अ ब्रीडर, ये भी हम आपको दिखाते हैं, फ्राज इसको आप बेशक बांध दें, आप हम दूसरा दिखाते हैं, अच्छा जी माशाल्लाह ये जो आप देख रहे हैं लाल डब्बा नागरा में है, और माशाल्लाह ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं नीचे बैठ के वीडियो नहीं बनाता दूसरों की तरह, मैं बिल्कुल आई लेवल पे रख के बना रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो फेस ब्यूटी है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह ये फेस ब्यूटी आप चेक करें, और कानों की लेंथ, फराज इसके ज़रा कान खोलें ज़रा, ये देखें कानों की लेंथ चेक करें, इस तरह करें, हाँ ये देखें कानों की लेंथ माशाल्लाह लंबे कान है, ठीक है ठीक है, छोड़ें ज़रा, ये देखें लंबे कान है माशाल्लाह, और लाल डब्बा नागरा में है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी वाइज चीज़ है, ठीक है। इसके भी पैर मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सीधे खड़े पैर हैं, ये देखें बिल्कुल सीधे खड़े पैर हैं, कोई घुटन नहीं मुड़ा हुआ, कोई किसी किस्म की टांगे टेढ़ी नहीं है, ठीक है। और ये भी आंडल बकरा है, और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सीधे खड़े पैर हैं, जो कि देखने वाली चीज़ें होती हैं कि घुटना मुड़ा हुआ, बकरे जो नस्ल होती है उसकी ये भी देखना होता है कि वो अपना वज़न पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो माशाल्लाह ये 10 महीने का बच्चा है अभी, 10 महीने का है, ये 9 से 10 महीने का बच्चा है अभी, ठीक है। दुम भी इसकी देखें माशाल्लाह बिल्कुल सीधी है, और फेस ब्यूटी भी आप देख लें, और माशाल्लाह वाइट आँख में है ये भी, ये देखें ये भी वाइट आँख में है, ज़बरदस्त क्वालिटी वाइज चीज़ है, एक नंबर चीज़ है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी है। और इसकी मैं आंडल दिखा देता हूँ, ये देखें आंडल इसके भी कट वाले हैं माशाल्लाह, और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें चौड़ी हड्डी का जानवर है माशाल्लाह ये भी, ठीक है, और ख़ूबसूरत चीज़ है, ठीक है। और बहुत अभी से ये गर्म बकरा है, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत है, ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें ये भी शरारतें कर रहा है, ठीक है। ये देखें जी ये पूरा बकरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं नीचे बैठ के नहीं दिखा रहा, अभी मैं नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये नीचे बैठ के मैंने दिखाया है, ठीक है।
नीचे बैठ के ऐसा लगता है बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 38 हाइट होगी और ये 10 महीने का बच्चा है अभी, ठीक है। और माशाल्लाह खूबसूरत है, दुम सीधी है, खड़े पैर सीधे पैर हैं और मजबूत हड्डी का जानवर है, ठीक है। अच्छा फराज मुझे ये बताएं, इसके दांत दिखाएं जरा, ये देखें जी, ये देखते हैं। अभी ये 10 महीने का है और माशाल्लाह खूबसूरत है, चपटे बादामी सिंग है छोटे, ठीक है। और फेस ब्यूटी भी, नकोड़ा भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए बहुत ही आला चीज़ है। और लाल डब्बा नागरा जो कि जिसकी डिमांड भी है मार्केट में इस वक्त, बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा शौक करने वालों के लिए, नस्ल लेने वालों के लिए, जो नस्ली जानवर लेना चाहते हैं या जो नस्ल बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ है, आप इसकी एक बार लाइव आके ज़रूर इसको विज़िट करें और देखें माशाल्लाह। अच्छा फराज इसकी कितनी डिमांड है? इसकी तकरीबन वैसे तो इसकी 1.5 तक मैंने कहा है, लेकिन अच्छा इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए, आपके चैनल के लिए इसकी ना 1 तक इंशाल्लाह हो जाएगी। 1 लाख रुपए जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ले जी बड़ी जबरदस्त आपको ऑफर मिल गई है जो मेरे चैनल से इंशाल्लाह आएगा, 1 लाख रुपए डिमांड है। इसमें मजीद को हो जाएगी 5-10 इंशाल्लाह कर लेंगे, जो बिल्कुल इधर आएगा लाइव देखेगा इंशाल्लाह उसके लिए अच्छी खासी प्यार मॉडल हो जाएगी। चलिए ठीक है जी, ये जनाब आपको बता दिया गया है कि अगर कोई लाइव आके देखेगा और बात करेगा तो इंशाल्लाह इसको रेट मुनासिब हो जाएगा। और जो दोस्त दोनों बकरे लेना चाहेंगे, एक वो ब्लैक खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले दिखा सकूं, और ये एक नागरा है, ठीक है, और लाल डब्बा नागरा है, अगर ये भी लेना चाहेंगे और तो दोनों अगर बात करेंगे, दोनों बकरे जो हैं आपको एक अच्छा सा पैकेज बना के दे दिया जाएगा जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा और अच्छी नस्ल भी ले सकेंगे आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा और भी हैं इनके जानवर जो बकरी है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बकरियाँ और बच्चे हैं वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप देखिएगा और ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज़ रहेगी फराज, आपने नंबर नहीं बताया और लोकेशन। लोकेशन मेरी इचरा बाजार है, लाहौर इचरा बाजार नॉर्मल है, ठीक है। नंबर मेरा 03002727678 2727678 ये आपका नंबर है। अच्छा ये नंबर हमने पहले स्क्रीन पे दे दिया है, ठीक है, और अभी ये फराज ने भी बता दिया है, लोकेशन भी आपको नूर मोहल्ला इचरा बाज़ार है लाहौर का, तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं लाहौर के जितने भी दोस्त हैं, और जिन्होंने वीडियो देख लिया है वो फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है फराज का, ठीक है। और छोटा भाई है, छोटे भाई के साथ पूरा तावुन करना है, जितने व्यूवर्स हैं, छोटा भाई है, छोटा लेकिन शौक इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, इस शौक को आपने भी ज़िंदा रखना है और आपने पूरे भाई के साथ जो है ना तावुन करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करें शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।